बॉलीवुड सुपरस्टार ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर स्टारर निर्देशक आयन मुखर्जी की मच अवेटेड मूवी वाचू का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है। ये फिल्म जल्दी फ्लोर पर पहुंचने वाली है। इस फिल्म को लेकर एक बहुत बेहद दिलचस्प जानकारी हाथ लगी है, जिसे जानने के बाद फैंस खुशी से झूमने लगेंगे। निर्देशक सिद्धार्थ आनंद की ब्लॉकबस्टर मूवी वाचू की बम्पर सक्सेस के बाद इस फिल्म के निर्माता आदित्य चोपड़ा ने मूवी के दूसरे पार्ट की तैयारी की है, जिसे एक बार निर्देशक सिद्धार्थ आनंद नहीं बल्कि आयन मुखर्जी बनाने वाले हैं। इसके लिए आयन मुखर्जी ने कमर कस ली है। अब खबर है कि इस फिल्म के लिए निर्माता निर्देशक ने रिलीज डेट पर पक्की मोहर भी लगा दी है। बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म सुपरस्टार ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की अपकमिंग मूवी वाचू के लिए मेकर्स की नज़र साल 2025 के गणतंत्र दिवस के वीकेंड पर लगी हुई है। इस बारे में एक करीबी सूत्र ने जानकारी देते हुए कहा कि रिपब्लिक डे का वीकेंड हमेशा ही हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए जबरदस्त पैसा बनाने का मौका रहा है, फिर चाहे अग्निपंथ हो या फिर पठान। ऋतिक रोशन और यशराज फिल्म्स दोनों ही इस मौके पर बड़ी सफलता का स्वाद चखा है और अब दोनों वाचू के लिए रिपब्लिक डे 2025 के मौके पर नजर लगाए बैठे हैं। बल्कि ऋतिक रोशन की अगली फिल्म फाइटर भी साल 2024 में गणतंत्र दिवस के वीकेंड पर पहुंच रही है। इतना ही नहीं, सूत्र ने ये भी बताया कि फिलहाल ये एक टेंटेटिव डेट है, इसका अभी आधिकारिक ऐलान होने में वक्त लगेगा। सूत्र ने कहा, ये तात्कालिक रिलीज डेट है और चीजें इसी के इर्द गिर्द बुनी जा रही है। हालांकि फिल्म की सही रिलीज डेट तभी पक्की हो सकेगी जब फिल्म नवंबर महीने में फ्लोर पर पहुंच जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि साल 2025 में मूवी को बनने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन यशराज फिल्म्स रिपब्लिक डे के मौके पर ही अपनी मूवी रिलीज करना चाहता है। ऐसे ही मूवी न्यूज से अपडेट रहने के लिए मूवी मसाला को सब्सक्राइब जरूर करें।